इथेनॉल की खड़ी टैंकर में लगी आग मौजूद लोगों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के NH-27 पर मंगलवार की देर रात बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक इथेनॉल के टैंकर में अचानक आग लग गई। यह दुर्घटना कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद हाईवे के चारों ओर दूर दूर से आग की लपटें दिखने लगी। उसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को देते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। वहीं आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सिमरी स्थित एक ढाबा पर इथेनॉल से भरी टैंकर खड़ी अचानक खड़ी टैंकर में आग लग गई। टैंकर में आग लगने से ढाबा पर हड़कंप मच गया। इस खौफनाक मंजर को देख वहां पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने साहस का परिचय देते हुए इस घटना की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को देते हुए आग को काबू करने में जुट गए। वही घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियों और पुलिस के मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वही NHAI के पेट्रोलिंग इंचार्ज देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह घटना रात के 11 बजे घटी है। इथेनॉल का टैंकर गोंडा से चलकर गुवाहाटी जा रहा था। उसी क्रम में खाना खाने के लिए अचानक चालक ने गाड़ी को ढाबे पर रोका। उसी क्रम में टैंकर में आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना मिलते ही हमारे रात्रि गश्ती की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद अग्निशमन दस्ता की 5 गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। वही उन्होंने बताया कि इस हादसे के दौरान हाईवे के एक साइड पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और सिर्फ एक ही तरफ से वाहनों को निकाला जा रहा है। हाँ सर, आग लगी थी सिमरी थाना अंतर्गत, क्या कहेंगे? सिमरी थाना के बगल में बाजार है, बाजार के NH-57 पर एक टैंक लोरी खड़ी थी जिसमें इथेनॉल लोडेड था। वो कानपुर से शायद असम की तरफ जा रही थी, तो बहुत देर से खड़ी थी गाड़ी, जिसपे थोड़ा थोड़ा उससे इथेनॉल लीक कर रहा था। उसी में कोई आम पब्लिक या ड्राइवर खलासी उधर गया और बीड़ी सिगरेट फेंक दिया, जिसके उसके आग लग गई टायर में। गाड़ी का टायर 6 टायर जला है, जिसको हम लोगों ने 5-6 गाड़ी लेकर गए, उसको उनको यूज करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। आग लगभग 10:50 के सूचना आग लगी थी। सूचना मिलने पर यहाँ से गाड़ी गई, सिमरी गाड़ी से भी गई थी और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। अगर टैंक लोरी पलटता, अगर ब्लास्ट करता, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जो तत्परता से उसको हमारे जवानों ने टाल दिया। क्या आपके जवान के साथ साथ सिमरी थाना के प्रभारी लोग भी थे? हाँ, सिमरी थाना के थाना प्रभारी भी थे, उनके जवान भी थे। रात्रि में 11 बजे के करीब इस गाड़ी के अंदर आग लगी। प्रशासन से फोन गया मेरे पास, हमारी टीम जो रात वाली थी, वो रात वाली टीम हमारी यहाँ पे आई और यहाँ पे सेफ्टी लगा। क्या था सर गाड़ी में लदा हुआ, कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? आपको जो है तो गुवाहाटी जा रहा था और इसके अंदर इथेनॉल लोड है, इसकी वजह से जो भयंकर रूप से आग लग सकती थी, जैसे बड़े रूप में जान माल की हानि हो सकती। क्या सर कारण क्या रहा आग लगने का, किन कारणों से? ये तो सारी चीज़ें कन्फर्म नहीं है, कहीं ना कहीं से इनके तार में लीकेज होगा, जिसकी वजह से जो है इस तरह की घटना घटी। इस न्यूज़ के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।